राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको ये कोटी बनाई है, इसका पिछला गला बना के दिखाऊंगी और बताऊंगी किस तरह बनेगा ये। अब देखो, ये उल्टी साइड कर रही हूँ मैं, अगर सीधी साइड करके करो तो सीधी साइड करके देख लो। ये देखो, ये यहाँ से अब जेब सिल दूंगी ऐसे करके यूँ। अब ये दोनों तरफ धागा बांध रखा है, ये इसका पता है। धागा देख के हम एक तो हमने वैसे मिला के देखेंगे, ये धागे से भी पता चलेगा हमें। यहाँ से गले की कटाई शुरू कर रखी है। अब आगे देखो, दोनों तरफ से पट्टी साथ साथ बना ली। अब जो ये पीछे वाली पट्टी बनाएंगे, ये किस तरह बनानी है ये दिखाऊंगी आपको। पहले दोनों तरफ से मोढ़े सील लिए, सुई से सिलाई से ही सील दिए। आगे वाले फंदे 28 थे, पीछे वाले 28 फंदे, दो का एक करके दो का एक करके इधर से भी जोड़ दिया और इधर से भी जोड़ दिया। अब जो ये पट्टी है ये किस तरह बनाएंगे, एक तरफ के जैसे ये वाली इधर से चालू कर लो या इधर से चालू कर लो, एक कंधे पर जोड़ करेंगे फिर हम। एक तरफ के जैसे ये फंदे रख लेंगे इसी सिलाई में रख लो या सुई में डाल लो इनको। ये फंदे इस तरह रख लिए, इन फंदों को हम जैसे ये पट्टी बना रखी है, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा, धागा देख लेंगे कौन सी साइड हमारा, शायद इसी साइड है धागा, ये इस साइड धागा हमारा, तो इसी साइड से शुरू कर लेंगे। हमने यहाँ तक पट्टी बनानी, ये पिछले के पिछला पल्ला है वो फंदे हम 28 इस तरफ जोड़ दिए, 28 इस तरफ जोड़ दिए, बाकी जितने बचे वो हमने बंद कर दिए ये फंदे। अब पट्टी बना लेंगे, पट्टी बना के फिर सुई से सील देंगे इसके साथ। अब ये पट्टी किस तरह बनानी देखो, ये धागा इधर है, इधर से ही बना के दिखा दूंगी मैं आपको। इससे बना लो या दूसरी सिलाई ले लो, बस इसी तरह बनाएंगे हम। ये फंदा सीधा आ गया हमारा यूं करके, फिर एक उल्टा है एक सीधा है, ये 10 फंदे की पट्टी है। ये पट्टी बना लेंगे हम, कितने इंच बनेगी, फिर यहाँ तक आके ये इस तरह जाएगी, फिर यहाँ जोड़ूंगी, तब फिर दिखाऊंगी आपको किस तरह जोड़नी है। ये बीच की जोड़ देंगे हम सुई से, अब ये उल्टी अब इस तरह कर लेंगे, घुमा लेंगे इस तरह, रखे रखे बना लो आप। बिल्कुल आसानी से बनेगा ये गला साथ साथ। अगर आपने पट्टी बाद में सिलनी है तो जैसे मैं ये आगे वाली भी दोनों साइड की साथ साथ बनाई, तो आप इसको बाद में भी सिल सकते हो सुई से, जैसे पीछे वाली सिल लूँगी मैं, इसी तरह ये साइड वाली भी सिल सकते हो। मैं 10 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ, अगर आपने 12 नंबर की सिलाई से बना के सिलनी है अलग से सील, तो बस इसी तरह करके बना लेंगे हम। अब देखो, जैसे ये इतनी लंबी पट्टी होगी, ये पट्टी बना दी, इस पट्टी को यूं सिल लेंगे, ये यहाँ सील देंगे, यहाँ से दोनों को यूँ सील देंगे। अब इस तरह आएगी ये पट्टी यूँ घूम के, यहाँ दोनों पट्टियों को जैसे ये दोनों को यूँ जोड़ देंगे। फिर ये इतनी बना लूँ मैं, यहाँ तक बना के फिर दिखाऊंगी आपको। अब ये देखो जी, ये गला पूरा हो गया, ये पट्टी इस तरह बनाई है। अभी यहाँ से इसके साथ सील देंगे यूँ, देखो पूरी हो रही है। अब ये घटानी किस तरह है, यहाँ आकर जोड़ देंगे दोनों पट्टियों को।
इस तरफ से घटाना शुरू करके इस तरफ कर देंगे। तीसरी सिलाई से घटेगी ये। अब ये देखो पट्टी हमारी पूरी होगी। अब ये पट्टी यहाँ से सिल देंगे। किस तरह सिलेंगे? ये बना के ऐसे बॉर्डर। अब ये इस तरफ आ गई सिलाई। देखो ये सिलाई भी इस तरफ कर लेंगे, पलट लेंगे इसको। इस तरफ करके यूं यूं दो का एक कर देंगे ऐसे, एक उस तरफ से ले लेंगे। अब ये पीछे वाला फंदा ऊपर को उतार देंगे, फिर एक उस तरफ से एक इधर वाली सिलाई में से, दोनों सिलाई में से एक एक फंदा लेके ऐसे जोड़ देंगे इसको। ये जोड़ हम कंधे पर करेंगे तो दिखाई नहीं देगा। अगर हम कई बार क्या कर रहे हैं, कई बार पीछे कर लें इसको बीच में, तो बीच में वो अलग दिखाई दे है। मैं इस तरह कर रही हूँ कंधे पे। अगर आपको ठीक लगे तो इस तरह कर लेना, बीच में ठीक लगे तो बीच में कर देना। अभी ये फंदा ऐसे ऊपर को उतार देंगे। अब ये धागा इतना बड़ा तोड़ लेंगे, ये सील दें हम पीछे से। इसके बीच से निकाल के यूं ये बंद भी हो गया। अब देखो ये सुई में धागा डाल के इसको सील देंगे। अब यहाँ से इसका यूँ एक एक फंदा, एक एक धागा पकड़ेंगे। ये पता भी नहीं चलेगा सील रखा है, क्या कर रखा है। एक धागा इसमें से उठा लिया, एक धागा इसमें से उठा लिया पट्टी में से, ऐसे यूं करके। अब देखो ये देखो पता भी नहीं चल रहा कहाँ सिलाई कर रखी है। इस तरह सिल लेंगे अब हम, ये सारा गला यहाँ तक यूं सिल देंगे। ऐसे बनेगा ये भी गला। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।